सर अभी दंगा प्रदर्शन चल रहा था, इसमें महापंचायत के ऐलान भी किया गया, क्या मामला था सर, किस तरह का आश्वासन आपके द्वारा दिया जा रहा है? श्रीमती बालेश थाना भोरा कला की रहने वाली थी और वो दिनांक 25 अप्रैल को अपनी 3 लड़कियों के साथ कहीं चली गई थी। उसकी शिकायत हुई, शिकायत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनकी अभी तक लगातार खोज चल रही है और चूंकि उनके पास अभी तक कोई मोबाइल्स नहीं थे तो उससे उनकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही थी। इसी क्रम में इनके परिवारों ने जो है पिछले 2 दिन से कप्तान साहब, डीएम साहब से मिल रहे थे। कप्तान साहब ने भी इसमें काफ़ी सारा कार्य कर चुके हैं। आज उन्होंने 9 मई को अपना धरना का ऐलान किया था और हम लोगों ने इनसे 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन में हमारा काफ़ी सारा काम इसमें हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें 2 दिन में सकुशल वापसी हो जाएगी। कप्तान साहब ने अपनी टीम, सर्विलांस टीम जो है 2-3 जिलों में भेज रखी है, स्वाट टीम और थानों की टीम को, और इसमें काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को नहीं बताते हैं, कप्तान साहब का अपना ट्रेंड है वो उनको सर्विलांस सेल का, बट हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 दिन में इनकी सकुशल वापसी हो जाए। उनका उनका रोष है कि बच्चियां हैं, उनकी पत्नी है, परिवार की लड़कियां हैं, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, इसको लेकर उनकी परेशानी है और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने 14 तारीख को भी दोबारा महापंचायत का ऐलान किया है, बट वी आर ट्राइंग कि हम 2 दिन में इसको सर्च कर लेंगे। थैंक यू।